हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसा आप सब? मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। चलिए बच्चों, क्लास 11 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, पूरा थियरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने पूरा थियरी पार्ट अच्छे से देख लिया है, राइट? और चैनल ऑलरेडी आपका सब्सक्राइब्ड है। अगर नहीं है सब्सक्राइब तो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके? चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों अबाउट द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे जो बहुत ही सिंपल है और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो थोड़े ट्रिकी है, ओके? हम सारे क्वेश्चन को लाइन में करते जाएंगे, ओके? लेट्स सी बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलेक्युलर मास ऑफ द फॉलोइंग, ओके? तो आपको मोलेक्युलर मास निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ओके? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1.1, लेट्स राइट इट लाइक 1.1। क्या फाइंड करना है बच्चों हमें? वी वॉन्ट टू फाइंड द मोलेक्युलर मास, आता है आपको, ओके? चलिए बच्चों, मोलेक्युलर मास फाइंड करना है। सबसे पहले कौन है आपका? सबसे पहले दिया H2O। चलिए H2O के अंदर क्या है बच्चों? दो बार हाइड्रोजन है, तो यू विल राइट 2 into एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। चलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इन द यू यूनिट, यू इज दैट यूनिफाइड मास यूनिट, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा बच्चों उसमें 1.0084 U, और ऑक्सीजन का मास होता है एग्जैक्टली 16 U, ठीक है? आप इसको प्लस कर दीजिए बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा कुछ 18.016 U, और रफली आप लिख सकते हो बच्चों इसको 18.02 U, ठीक है? चलिए उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है बच्चों उसके अंदर? तो एक कार्बन है, तो 1 into एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। चलिए यूनिफाइड मास सिस्टम के अंदर कार्बन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 12.011, कितना होता है 12.011 U, प्लस 2 into ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16.00। चलिए आप दोनों को प्लस करेंगे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 44.01 U, ओके? यूनिट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ओके? यूनिफाइड सिस्टम के अंदर कार्बन का मास है 12.011 U, हाइड्रोजन का 1.0084 और ऑक्सीजन का 16 U। चलिए बच्चों उसके बाद है CH4 जो है बच्चों आप खुद करोगे, मैं नहीं कराऊंगा आपको, राइट? अब यहाँ पे खुद गिनिए CH4 का और आपका आंसर देखिए कितना आ रहा है वो। चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1.2 है आपका एक्सरसाइज में से, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द सोडियम का सोडियम सल्फेट। चलिए क्या फाइंड करना है बच्चों? मास परसेंटेज फाइंड करना है, होप आपको तो बहुत अच्छे से आता होगा मास परसेंटेज, राइट? तो मैं आपको मेरी शॉर्टकट मेथड ही बताऊंगा यहां पे भी, दैट इज Na2SO4। क्या है बच्चों? सोडियम सल्फेट है, कौन कौन सा एलिमेंट है बताओ? चलो तो एलिमेंट में सोडियम है, और कौन है बच्चों? सल्फर है, और कौन है आपका? ऑक्सीजन है, राइट? चलिए सोडियम कितने है बच्चों? 2 है, तो 2 सोडियम को मिला के मास कितना हो जाएगा? 1 सोडियम का होता है आपका 23, तो 2 सोडियम को मिला के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Na कितना है बच्चों? 2 बार है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 4 बार है, 4 into ऑक्सीजन 2 into सोडियम, तो 2 सोडियम को मिला के मास कितना हो जाएगा? 2 into 23, दैट इज 46। सल्फर का कितना होता है बच्चों? 32, ओके? और ये ऑक्सीजन का 4 है ना, तो 4 into 16 कितना हो जाएगा? 4 ऑक्सीजन को मिला के 64 हो जाएगा, राइट? चलिए सबको प्लस करिए बच्चों और बताइए टोटल एटॉमिक टोटल मोलिकुलर मास कितना है? टोटल हो जाएगा आपका 46 प्लस 32 प्लस 64, कितना होगा बच्चों? ये आपका हो जाने वाला है 142, प्लस करोगे ना तीनों को, राइट? तो आपका टोटल कितना होगा बच्चों? 142 U होगा। तो अगर मुझे फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ सोडियम, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? मास ऑफ सोडियम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। चलिए सोडियम का मास ये रहा, सोडियम का मास कितना है बच्चों? 46 डिवाइड बाय टोटल मास, मतलब मोलिकुलर मास कितना है? 142, ओके? तो इसका यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कुछ अप्रोक्सीमेटली 32.4%। तो सोडियम का परसेंटेज कितना है बच्चों? 32.4। अगर आपको फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो क्या होता है बच्चों? वो मास ऑफ सल्फर डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। चलिए ये रहा सल्फर का मास कितना है यहाँ पे? 32, और मोलिकुलर मास कितना है बच्चों? 142। चलिए आप जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सल्फर का मास आपको मिल रहा है बच्चों 22.6%। ये एक्चुअली आपको फ्रैक्शन में मिलेगा, पर आपको क्या करना पड़ेगा? इंटू 100 करना पड़ेगा, राइट? क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों? हम इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, ओके? या फिर आप फ्रैक्शन को लाओ और फिर इंटू 100 करो तो भी चलेगा। बाकी कौन बचा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। चले 4 ऑक्सीजन को मिला के कितना मास है? 64 डिवाइड बाय 142। चलो बच्चों 64 by 142 इसका हो जाएगा आपका 45 अप्रोक्सीमेटली, कुछ 45.05, यू कैन राइट 45%, ओके? यहां भी हमें क्या करना है? इसका आंसर आपका आएगा 0.45, परसेंटेज में लाना इंटू 100 करिए तो कितना हो जाएगा? 45% हो जाएगा, गॉट इट? ओके, तो ये होगी आपका मास परसेंटेज का क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1.3 देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन
विच हैज 69.9% ऑफ आयरन एंड 30.1% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। तो हमें क्या दिया है बच्चों, बाय मास परसेंटेज दिया हुआ है, बाय मास आयरन परसेंटेज कितना दिया है बच्चों, 69.9% आयरन दिया हुआ है और बाकी है ऑक्सीजन, दैट इज 30.1%। दोनों का सम कर लो 100 हो रहा है, मतलब तीसरा कोई एलिमेंट नहीं है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है वो। चलिए क्या फाइंड करेंगे बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। चलिए आपको याद आना चाहिए हम यहाँ पर टेबुलर मेथड यूज करते हैं टेबल बनाने वाला। ओके चलिए वही मेथड हम यूज करने वाले, लेट्स सी कैसे करेंगे हम। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, आपका एलिमेंट होता है। ओके कौन कौन सा एलिमेंट है, आयरन है और ऑक्सीजन है। एलिमेंट के बाद क्या होता है बच्चों, आपका परसेंटेज होता है। चलिए परसेंटेज आईपी का है 69.9, ऑक्सीजन का कितना है बच्चों 30.1। ओके चलिए इसको सेपरेट करते जाते हैं। चलिए इसके बाद क्या आता है बच्चों, आपका एटॉमिक मास आता है नेक्स्ट कॉलम में। चलिए आयरन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 56, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। चलिए नेक्स्ट कॉलम बताए, नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करते हैं बच्चों, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास करते हैं। तो यहां पे होना है आपको 69.9 डिवाइड बाय 56 और यहां पे कितना होगा बच्चों आपका 30.1 डिवाइड बाय 16। लेट मी जस्ट सेपरेट बोथ ऑफ दिस, नहीं तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फाइंड करें बच्चों ये रेशियो कितने निकल रहे हैं आपके, तो ये रेशियो आएगा आपका 1.24 और ये आना है बच्चों आपका 1.88। चलिए अगला स्टेप अपना क्या होता है, हम डिवाइड करते हैं, वी कन्वर्ट दिस इन द रेशियो और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, विल कन्वर्ट दिस एज अ होल नंबर। चलिए रेशियो कौन सा लेते हैं बच्चों, दोनों में से जो मिनिमम होगा, ये आपका मिनिमम है, उससे दोनों को डिवाइड करेंगे। तो 1.24 डिवाइड बाय 1.24 ये कितना हो जाएगा 1। यहां पे क्या होगा बच्चों, 1.88 डिवाइड बाय 1.24 ये आपका आएगा नियरली 1.5। अब आपको इनको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो ये तो ऑलरेडी 1 है, होल नंबर है, बट ये 1.5 है। तो इस 1.5 को हम 1 नहीं लिखेंगे, 2 भी नहीं लिखेंगे। जब आपका ऐसा होना 1.5 या 0.5 होना पीछे, तो आप इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 2 2, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट इन होल नंबर जब यहाँ पे 0.5 के आजू बाजू डिजिट हो, तो बहुत कम डिजिट है अगर इट इज 1.03 या 1.05 वी विल राउंड ऑफ इट एज 1, बट अगर 1.5 है तो उसको 1 राउंड ऑफ नहीं करेंगे, उसको आपको डबल करना पड़ेगा होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। राइट तो यहां पे आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ चुका है बच्चों, दैट इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला इज Fe2O3। कितना है एम्पेरिकल फॉर्मूला, Fe2 बार है, O3 बार है, Fe2O3 इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला। गॉट इट? ओके चलिए बच्चा ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन नीचे भी दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1.8 पे जाइए। तो इट इज एज सेम एज दिस, ओनली 1.8 भी यही सेम क्वेश्चन है बच्चों। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आया है क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंट ऑफ द आयरन एंड ऑक्सीजन आर सेम 69.9 एंड 30.1। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है बच्चों मोलिकुलर फॉर्मूला, कोई बात नहीं, गिवन दैट द मोलिकुलर मास इज 159.69। तो यहाँ पे हमें मोलर फॉर्मूला फाइंड करना है राइट, और हमें मोलर मास कितना दिया हुआ है, तो यही सही, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, एम्पेरिकल तो लाना ही पड़ता है पहले। यहां पे बच्चों मोलर मास आपको दिया हुआ है कुछ 159.69 ग्राम पर मोल। चलिए आपको याद आना चाहिए हम क्या फाइंड करते हैं बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास फाइंड करते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालो, चलो कितना आ रहा है वो। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के अंदर क्या क्या है बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला में 2 Fe है और 3 ऑक्सीजन है। चलिए 2 Fe का कितना है 56, 3 ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों 16, 56 टू कितना होगा 112, ये हो जाएगा आपका 48, तो ये हो जाना है आपका 160 U और 160 ग्राम पर मोल। चलिए यहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हैं एन, एन क्या होता है बच्चों आपका मोलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। चलो मोलर मास कितना दिया आपको 159.69 एंड एम्पेरिकल मास इज 160, बोथ आर नियरली सेम, तो वी कैन राइट दिस स्मॉल एन मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 1। तो अपने पास जो मोलेक्युलर फॉर्मूला हमें चाहिए राइट, वो मोलेक्युलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला है कि नहीं, हमने किया ऑलरेडी है सब कुछ। अब एन का वैल्यू कितना है बच्चों आपका 1 आया हुआ है ना, और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या रहा है Fe2O3 था, तो मोलेक्युलर फॉर्मूला भी क्या रहना है यहाँ पे Fe2O3 ही रहने वाला है।
तो ऑक्साइड जो है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, Fe2O3 होगा। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन साथ में हुए, 1.3 भी हुआ है और 1.8 भी हो चुका है। चले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 1.4, पहुंच जाए फटाफट 1.4 के ऊपर। तो आपका क्वेश्चन है 1.4 में, दैट इज यस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। क्या फाइंड करना है बच्चों हमें, हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी नीड टू फाइंड, ओके, बाई 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। चलिए 1 मोल कार्बन बर्न इन, सबसे पहले आप कार्बन के बर्निंग का प्रोसेस लिख दीजिए। कार्बन सॉलिड, O2 गैस विल गिव यू CO2 गैस। चलो इसका स्टोक्योमेट्री लिखो, ये पूछा ना कितना प्रोडक्ट मिलेगा, कितना CO2 मिलेगा, तो स्टोक्योमेट्री लिखेंगे पहले। चलिए स्टोक्योमेट्री से यहां से क्या है बच्चों, 1 मोल है, यहां भी क्या है 1 मोल, ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस है आपका, यहां भी क्या है आपका 1 मोल है। तो 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है। आप इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर लो बच्चों, 1 मोल कार्बन मतलब 1 × 12 ग्राम, 1 मोल O2 है राइट, O2 मतलब 32 ग्राम, और यहां पे 1 × CO2 का निकालो बच्चों, 12 + 32 कितना होगा 44 ग्राम। तो अगर आप इस स्टोक्योमेट्री को ग्राम के फॉर्म में लिखो तो 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 44 ग्राम जितना CO2 देगा। तो याद है स्टोक्योमेट्री लिख दिया कार्बन के बर्निंग का। पहला कौन सा पूछा है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। चलिए 1 मोल कार्बन बर्न इन एयर, एयर का मतलब है सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट कोई नहीं, ऑक्सीजन सफिशियंट अमाउंट में है। तो ये रहा बच्चों सीधा रिलेशन, 1 मोल कार्बन को बर्न करोगे तो कितना CO2 निकल रहा है बच्चों 44 ग्राम, है कि नहीं। आगे डायरेक्ट आपका रिलेशन, 1 मोल से कितना CO2 निकल रहा है बच्चों 44 ग्राम जितना आपका CO2 निकलने वाला है। और अगर आपको मोल के फॉर्म में लिखना है तो 1 मोल C से कितना CO2 निकल रहा है 1 मोल, ओके। तो दैट आंसर इज इक्वल टू 1 मोल CO2 इज प्रोड्यूस, और अगर ग्राम में लिखना है तो वी कैन ऑल्सो राइट 44 ग्राम CO2 इज प्रोड्यूस, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्या पूछा है बच्चों, दूसरा पूछा गया है 1 मोल कार्बन विद 16 ग्राम ऑक्सीजन। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, 1 मोल कार्बन इज बर्न विद 16 ग्राम ऑक्सीजन। अब यहां पर दोनों लिमिटेड है क्योंकि इसका आपको लिमिटेड क्वांटिटी दिया है 1 मोल, इसका भी लिमिटेड क्वांटिटी दिया है 16 ग्राम। अब यहां पे आने वाले लिमिटिंग रिएजेंट पिक्चर में, तो ध्यान से देखिए स्टोक्योमेट्री क्या कहता है। पहले मैं एक लाइन बना देता हूँ स्टोक्योमेट्री पे ताकि एकदम क्लियर रहे आपको कि इतना पार्ट आपका स्टोक्योमेट्री का है। अब यहां पे देखिए बच्चों, तो 1 मोल कार्बन को अगर रिएक्ट कराना है ना तो कम से कम 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 1 मोल कार्बन को रिएक्ट कराने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। बट आपको ऑक्सीजन 1 मोल के लिए खाली कितना दिया है 16 ग्राम ही दिया हुआ है, यस और नो। हमें 1 मोल के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए 32 है, दिया खाली 16 है, मतलब ऑक्सीजन तो पहले ही खत्म हो जाएगा, दिया ही नहीं है ज्यादा क्वांटिटी में। तो हम यहां पे लिखेंगे कि 1 मोल कार्बन नीड 32 ग्राम ऑक्सीजन, बट अपने क्वेश्चन में तो खाली 16 ग्राम ऑक्सीजन ही दिया हुआ है ना, मतलब ऑक्सीजन जो है वो पहले खत्म हो जाएगा राइट, ओके। चलिए तो यहां पे ऑक्सीजन इज गिवन ओनली 16 ग्राम, मतलब ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट क्योंकि वो पहले खत्म हो जाएगा, कम क्वांटिटी में दिया है, ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो सारे प्रोडक्ट कौन डिसाइड करता है बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है, ओके। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, अगर 32 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन है तो सामने CO2 कितना बन रहा है बच्चों 1 मोल या 44 ग्राम। तो हम यहां पे लिखेंगे बच्चों ऑक्सीजन के सामने CO2। तो स्टोक्योमेट्री कहता है कि अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है 32 ग्राम राइट, ओके। तो सामने आपको CO2 कितना मिलना है 44 ग्राम मिलना है, बट हमारे पास खाली कितना O2 अवेलेबल है बच्चों 16 ग्राम ही अवेलेबल है। सो इफ इट इज 16 ग्राम ऑब्वियसली ये कितना मिलना है बच्चों 16 × 32 × 44, दैट इज 22 ग्राम CO2 इज ऑब्टेन्ड। अगर इसको आप मोल के फॉर्म में लिखना चाहो बच्चों, मास बाय मोलिकुलर मास करो, 22 × 44 दैट इज 0.5 मोल CO2 भी आप लिख सकते हो। चलो यहाँ पे कार्बन जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में 1 मोल है, कार्बन कितना बाकी बचेगा बताओ, चलो कितना कार्बन बाकी बचेगा। तो अगर आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो 1 मोल कार्बन चाहिए, बट हमें खाली 16 ग्राम दिया हुआ है, तो 32 के लिए 1 मोल चाहिए, तो 16 के लिए कितना चाहिए, आधा चाहिए, 0.5 मोल कार्बन चाहिए। तो हम यहां पे लिखेंगे ओनली 0.5 मोल कार्बन इज यूज, 0.5 मोल कार्बन इज यूज, कार्बन दिया था टोटल 1 मोल, उसमें से 0.5 मोल यूज हो गया, इसका मतलब क्या है बच्चों 0.5 मोल कार्बन इज लेफ्ट अनरिएक्टेड,
और अनबर्न्ड, इतना कोयला बच जाएगा, ये जलने वाला नहीं है। समझ आया बच्चों आपको? क्लियर लिमिटिंग इरिगेशन का एक और क्वेश्चन आपको कराया मैंने वो। चलिए ऐसा एक तीसरा क्वेश्चन है, 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न्ड विद 16 ग्राम ऑक्सीजन। अब 2 मोल कार्बन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, वापस यही कथा होगी। चलो बच्चों देखो फटाफट, 2 मोल कार्बन प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन। अभी ऑलरेडी 1 मोल के लिए 32 ग्राम चाहिए था, और यहां तो 2 मोल है, तो 2 मोल के लिए तो आपको 64 ग्राम चाहिए कि नहीं? हाँ गया ना, 1 मोल के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर ये 2 मोल कार्बन है तो आपको डबल चाहिए इसका, 64 ग्राम बद दिया तो खाली कितना है, 16 ग्राम ही दिया हुआ है। हाँ क्या ना, मतलब वापस यहां पे लिमिटिंग रिएजन कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। सो वी राइट हियर अगेन द सेम थिंग, फॉर 2 मोल ऑफ कार्बन 64 ग्राम O2 इज नीडेड फ्रॉम दिस स्टोइकोमेट्री, राइट? बट गिवन कितना है बच्चों? ओनली 16 ग्राम O2 इज गिवन। अगर O2 इतना कम दिया है उसका मतलब क्या है? O2 विल फिनिश फर्स्ट, तो O2 हो जाएगा लिमिटिंग रिएजन। तो सारे प्रोडक्ट कौन डिसाइड करता है बच्चों? लिमिटिंग रिएजन डिसाइड करता है, यस और नो? तो ये ऑलरेडी हमने लिखा ही है 16 ग्राम के लिए कितना बनने वाला, ये रहा 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो 44 ग्राम निकालेगा, यहां पे 16 ग्राम ही दिया हुआ है आपको, ये रहा क्वेश्चन आपका। तो 16 ग्राम के लिए कितना CO2 मिलना है? 0.5 मोल CO2 मिलना है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहां पे 0.5 मोल CO2 इज ऑब्टेन। चलिए कार्बन कितना यूज होगा? तो 16 ग्राम ही ऑक्सीजन है वापस, ओके। तो 32 ग्राम के लिए 1 मोल कार्बन चाहिए, तो 16 ग्राम के लिए कार्बन कितना चाहिए? 0.5 मोल चाहिए। तो कार्बन कितना यूज होगा? 0.5 मोल कार्बन इज यूज्ड। कार्बन दिया कितना है बच्चों? 2 मोल दिया है, 0.5 यूज हो गया, कितना बाकी बचेगा? 1.5 मोल कार्बन इज अनबर्न्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। इतना कार्बन ऐसा ही पड़ा रहेगा, जलने वाला नहीं है, ठीक है? तो यहां पे 3 क्वेश्चन को साथ में कंबाइन करके दिया था, रिएक्शन ये था C+O2 = CO2। ओके, पहले में एक ही का क्वांटिटी फिक्स था, ओके, ये वाला, और कार्बन तो बर्न इन एयर मतलब ऑक्सीजन सफिशियंट है, तो यहां पे लिमिटिंग रिएजन कोई नहीं है। डायरेक्ट स्टोइकोमेट्री से आंसर चेक करो, बट यहां पे दोनों लिमिटेड क्वांटिटी आपको चेक करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजन कौन है। यहां भी दोनों लिमिटिंग है तो आपको यहां भी चेक करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजन कौन सा है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 1.5 आपका स्क्रीन के ऊपर आया है, और ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट C3H6N रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन। चलिए क्या दिया हुआ है बच्चों आपको? फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द मास ऑफ द सोडियम एसिटेट, ओके, टू मेक 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ, चलिए एक बार स्टेटमेंट लिख देते हैं, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन आपको बनाना है, और उसका मोलारिटी कितना होना चाहिए? 0.375 मोलर, मोलर मतलब मोलारिटी, ओके। तो क्या पूछा गया है? हाउ मच मास ऑफ सोडियम एसिटेट इज नीडेड, मास ऑफ सोडियम एसिटेट दैट इज योर सॉल्यूट हियर, कितना आपको चाहिए ये पूछा गया है, ठीक है? तो हम ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? यहां पे हम लिखते हैं सॉल्यूट, यहां पे हम लिखते हैं सॉल्वेंट, और यहां पे हम लिखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। आप एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, इजीली हो जाएगा आपका। चलिए सॉल्यूट का नोटेशन क्या होता है बच्चों? 2 होता है, और सॉल्वेंट का नोटेशन क्या होना है आपका? 1 होना है, यस और नो? ओके, चलिए बच्चों सॉल्यूट कौन सा है आपका? सोडियम एसिडेट है, एक्वियस सॉल्यूशन बोला गया, मतलब सॉल्वेंट कौन सा होगा? वॉटर होगा। चलिए भाई, चलिए अब सोडियम एसिडेट का मोलिकुलर मास आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन करके दे दिया है, 82.0245। तो मोलर मास ऑफ सोडियम एसिडेट, मोलर मास मतलब कैपिटल एम, सोडियम एसिडेट सॉल्यूट है, दैट इज M2 इज गिवन। कितना दिया है? M2 दिया है बच्चों आपको 82.0245 ग्राम पर मोल। हमें ये पूछा है इसका कितना मास ऐड करोगे, मास मतलब W ऑफ व्हाट सॉल्यूट, दैट इज 2, ओके। चलिए सॉल्यूशन के लिए क्या क्या डेटा दिया है चेक करें बच्चों। सॉल्यूशन का दिया हुआ है आपको मोलारिटी 0.375 मोलर, मोलारिटी इज कैपिटल एम, दैट इज 0.375, और वॉल्यूम कितना है बच्चों? ml में ही ऑलरेडी, तो VML वॉल्यूम ml में, दैट इज 500 ml। चलिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, मोलारिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मोलारिटी क्या होता है बच्चों? W2 into 1000 अपन M2 into VML, याद है आपको ये फॉर्मूला? चलिए मोलारिटी कितना है? 0.375, वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है into 1000, मोलर वेट है सॉल्यूट का 82.0245, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है ml में? 500, 2 से कट हो जाएगा, बाकी आप सॉल्व करें बच्चों, आपका W2 आ जाएगा 15.38 ग्राम।
कितना सॉल्यूट डालना पड़ेगा आपको, 15.32 38 ग्राम जितना सोडियम एसिडेट CH3COOCNA इज एडेड इन सॉल्यूशन, इतना आपने सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट डाला होगा तभी जाके मोलारिटी 0.375 होगा, राइट। तो मोलारिटी का क्वेश्चन आपने पकड़ लिया एक बार, उसके बाद आपको फॉर्मुला रखना है और डेटा में आइडेंटिफाई करना है क्या क्या दिया हुआ है। ओके, यही मेथड आप फॉलो करें, आपको कभी कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका स्क्रीन पे आया 1.6, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर इफ द सैंपल विच हैज अ डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml एंड द मास परसेंट ऑफ द नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, बिकॉज आपको ये कन्वर्जन करना है, राइट, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो क्या क्या डेटा दिया है देखिए बच्चों ध्यान से। ओके, तो आपको डेटा में दिया हुआ है बच्चों नाइट्रिक एसिड का ये सॉल्यूशन है, मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर मतलब मोलारिटी फाइंड करना है, मोल पर लीटर इज मोलारिटी नीड टू फाइंड विच हैज अ डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml एंड द मास परसेंट इज 69%। तो आपको दिया है बच्चों 69% वेट बाय वेट नाइट्रिक एसिड। तो पहले मैंने कहा था जो दिया है उसका आपको डेफिनेशन आना चाहिए। तो 69% वेट बाय वेट का मतलब क्या है बच्चों, 69 ग्राम सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, नाइट्रिक एसिड इन, चलिए परसेंटेज कितने पे निकलता है, 100 पे निकलता है बच्चों, दैट इज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो ये मैंने इतना क्रैक कर लिया, 69% वेट बाय वेट का मतलब हो जाएगा 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, चलिए अब यहां पे तीनों चीजों को अलग करेंगे, वापस करा जाए अलग, चलिए अलग करते तीनों को। यहां पे क्या लिखते हैं बच्चों, सॉल्यूट का डेटा सिंबल होगा उसका 2, यहां पे होना है आपका सॉल्वेंट का डेटा सिंबल होगा आपका 1, और यहां पे होगा बच्चों आपका सॉल्यूशन का डेटा, कोई सिंबल नहीं होगा उसका। आई होप कि आपका जो यूनिट कन्वर्जन वाला वीडियो का मैंने लिंक रखा था वो आपने अच्छे से किया है, अगर वो किया तो फिर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला है ही नहीं, आप फटाफट कर दोगे मेरे से पहले ही बन। ओके, चलिए बच्चों सॉल्यूट कौन है आपका, नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3, पानी में ही होगा सॉल्यूशन, कुछ डेटा नहीं दिया तो H2O, ठीक है। चलिए क्या क्या दिया है बच्चों, 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड यहां पर है आपका, उसका वेट दिया दैट इज W ऑफ, नोटेशन क्या है उसका 2, कितना आएगा 69 ग्राम है, ठीक है ना। चलिए नाइट्रिक एसिड का मोलर वेट बताइए बच्चों कितना होगा, मोलर वेट HNO3, एक H, एक N, एक 3 ऑक्सीजन, 1 + 14 + 16 = 48 है ना, कितना होगा बच्चों 63 ग्राम पर मोल होगा। तो मोलर वेट M2 कितना है बच्चों आपका, 63 ग्राम पर मोल है, क्लियर विद दिस। ओके फाइन, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं यहां से, और कोई डेटा है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का वेट है, सॉल्यूशन के अंदर बच्चों सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है, तो W1 W2 मिला के कितना है 100 ग्राम है, और साथ में आपको डेंसिटी भी दिया था क्वेश्चन में 1.41 ग्राम पर ml। अब आप याद करिए मैंने आपको ये बताया कि जब भी डेंसिटी दिया तो क्या करना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू टोटल वेट, हाँ क्या ना भाई, टोटल वॉल्यूम कराया कि नहीं कराया, ऐसा कराया ना, टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, डेंसिटी कितना है 1.41, W1 W2 मिला के टोटल वेट कितना है 100 बाय VML, तो आपका VML कितना हो जाना है बच्चों 100 बाय 1.41, चलिए VML आ गया। आपको फाइंड करना था मोलारिटी, अब आप चैंपियन आप इजिली मोलारिटी फाइंड करोगे बिकॉज आपने सारा डेटा निकाल दिया है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू W2 × 1000 बाय M2 × VML। चलो W2 कितना है बच्चा आपका 69 × 1000, मोलर वेट कितना है 63, वॉल्यूम है आपका 100 बाय 1.41, कहां चला जाएगा ऊपर, 100 बाय 1.41 है ना, 1.41 कहां जाएगा ऊपर जाएगा। चलिए बाकी काम आपको खाली क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और इसको सिंप्लीफाई करने पे बच्चों आपको आंसर मिल जाने वाला है 15.44 ml, 15.44 मोलर, राइट। कितना होगा इसका मोलारिटी बच्चों, 15.44 जितना मोलारिटी होगा, मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग एसिड है, वेरी 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 स्ट्रांग एसिड, 15.44 मोलारिटी है, जला देगा अगर ये आपके हाथ पे गिरा तो। तो हमने क्या किया बच्चों, परसेंटेज वेट बाय वेट को किसमें कन्वर्ट कर लिया, मोलारिटी में, है ना। मैं इतना सिंपल सी बात आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी यूनिट दिया है ना तो आपको उसका डेफिनेशन आना चाहिए। परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो 69% है मतलब 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो नाइट्रिक एसिड का वेट मिल गया, उसका मोलर वेट पता है ऑलरेडी, सॉल्यूशन का आपको टोटल वेट मिल गया 100 ग्राम, डेंसिटी दिया है, वहां से आप वॉल्यूम निकाल लो। आई वांट टू गेट दिस डेटा, यू कैन इजीली कन्वर्ट दिस टू एनी यूनिट,
किसी भी यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। राइट, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। सिंपल सा क्वेश्चन है, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में से कॉपर कितना मिलेगा, चले देखते हैं बच्चों। चले बच्चों आपको क्या दिया है, कॉपर सल्फेट दिया है CuSO4, और उसमें से ये पूछा है आपको कॉपर कितना मिलना है। तो पहले हम सिंपल स्टोइकोमेट्री यूज करेंगे, इसका आपने को 100 ग्राम दिया हुआ है, उसको हम बाद में यूज करते हैं। चले पहले इसका मोलिकुलर वेट निकाले कितना होगा। तो कॉपर होता है बच्चों आपका 63.5, सल्फर होता है 32, चार ऑक्सीजन मतलब 4 × 16। ओके, अब एक CuSO4 में कॉपर कितना है बच्चों, एक CuSO4 में एक ही कॉपर है खाली, एक कॉपर मतलब 63.5 ग्राम। समझे मैंने क्या किया, एक CuSO4 में एक कॉपर है, मतलब टोटल जो इतना वेट है ना CuSO4 का, उसके अंदर कॉपर का रोल कितना है 63.5 जितना है। चलिए इन सबको प्लस करें बच्चों, कितना आएगा बोलिए फटाफट आपको। तो इनको प्लस करने पे आपका आंसर आना चाहिए कुछ 64 + 32 + 63.5, ये आएगा आपका 159.5 ग्राम। तो ये कितना है आपका 63.5 ग्राम। इसका मतलब ये है कि अगर 159.5 ग्राम जितना कॉपर सल्फेट है ना, तो उसमें कॉपर का रोल कितना है 63.5 है। अगर 159.5 ग्राम जितना कॉपर सल्फेट है जो उसका मोलिकुलर मास है, तो उसके अंदर कॉपर कितना है 63.5 है। हमें कितना कॉपर सल्फेट दिया है, 100 ग्राम दिया हुआ है। तो अगर ये 100 ग्राम है कॉपर सल्फेट, तो ये कितना होगा बच्चों, 100 / 159.5 × 63.5। चलिए आंसर बता दूं आपको फटाफट में, इसका 159.5 से डिवाइड करना है हमें, तो ये हो जाएगा आपका 6350 / 159.5। ओके, तो ये आंसर आपका आंसर हो जाना है बच्चों 39.81। चलो आ गया, सिंपल है एकदम। तो कितना कॉपर होगा बच्चों आपका, 39.81 ग्राम कॉपर होगा किसके अंदर, इन 100 ग्राम CuSO4। सिंपल सा क्वेश्चन था, चेक करो कि CuSO4 का टोटल मोलिकुलर मास में कॉपर कितना है, और अगर इतना दिया है CuSO4 तो उसमें कॉपर कितना आना है, एज सिंपल एज दैट। राइट, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.8। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है वो क्वेश्चन, और क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। ये हो चुका है ऑलरेडी हमारा। राइट, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे बच्चों 1.9 के ऊपर, एंड दैट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन मुझे आपको कराना चाहिए, तो भी मैं करा देता हूं एक बार। ओके, तो जब यहाँ पे आपको एक से ज्यादा आइसोट्रॉपिक फॉर्म दिए हुए हैं, तो आप एवरेज मोलिकुलर मास निकालोगे बच्चों। चलिए कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू, चलिए बच्चों पहले क्लोरीन का आइसोटॉप जो है ना, उसका परसेंटेज कितना है 75.77 × उसका एटॉमिक मास कितना है बच्चों, 34.9689। तो ये हो गया पहले आइसोटोप का परसेंटेज इंटू उसका मोलिकुलर मास प्लस, चलिए दूसरे आइसोटोप का परसेंटेज कितना है 24.23, और उसका मोलिकुलर मास कितना है 36.9659। बराबर, तो दोनों को क्या करना है, परसेंटेज इंटू मोलिकुलर मास प्लस दूसरे का भी परसेंटेज इंटू मोलिकुलर मास डिवाइड बाय टोटल परसेंटेज, ऑलवेज कितना होता है 100। तो आप इतना बच्चों कर लो, आपका आंसर आ जाने वाला है 35.4527 यू इज योर आंसर, एवरेज एटोमिक या मोलिकुलर मास ऑफ द क्लोरिन, एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ द क्लोरिन यू फाइंड लाइक दिस। ओके, तो जितने आइसोटोप दिया उसका परसेंटेज इंटू उसका मोलिकुलर मास, फिर दूसरे का परसेंटेज इंटू मोलिकुलर मास, तीसरा तो उसका परसेंटेज इंटू मोलिकुलर मास, सबके लिए ऐसे करके प्लस करना है, फाइनली क्या करेंगे डिवाइड बाय 100 कर देंगे, विल गेट द आंसर। चले बच्चों अगला क्वेश्चन है, इन द 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। कुछ नया क्वेश्चन आया 1.10, क्या दिया बच्चों, थ्री मोल ऑफ इथेन, इथेन क्या होता है बच्चों C2H6, सो यू हैव 3 मोल ऑफ इथेन, और इस 3 मोल इथेन में आपको क्या फाइंड करना है, देखिए बच्चों आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन। चलिए फाइंड करते, बहुत सिंपल है, मोल ऑफ कार्बन, मोलिक्यूल नहीं है, क्या कहा है बच्चों, मोल ऑफ कार्बन कहा गया है, तो C2H6 है, उसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं बच्चों, 2 कार्बन दिख रहे हैं कि नहीं, मतलब अगर इसका 1 मोल है C2H6 का, तो कार्बन के मोल कितने होंगे, सामने 2 होंगे, सिंपल है, एक C2H6 के अंदर 2 कार्बन है। राइट, तो आपको C2H6 कितने मोल दिया, 3 मोल दिया है ना,
तो अगर ये 3 मोल है तो ये कितना मिलेगा, 1 पे 2 है तो 3 पे कितना है, 6 मोल है। चलो ये आपका पहला आंसर आ गया, समझ आ रहा है आपको। पहले सिंपल फॉर्मूला देखिए कि एक C2H6 के अंदर 2 कार्बन है तो 3 मोल के अंदर कितना होगा, डबल कर देंगे ठीक है। चलिए दूसरा क्या पूछा है बच्चों, दूसरा पूछा गया आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। चलो फाइंड करते हैं बच्चों मोल ऑफ हाइड्रोजन। ओके चलिए ध्यान से देखिए बच्चों मोल ऑफ हाइड्रोजन कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको जो C2H6 दिया हुआ है उसके एक मोलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 6 है कि नहीं, 6 हाइड्रोजन है कि नहीं, मतलब अगर इसका 1 मोल है तो वो कितना हाइड्रोजन देगा, 6 मोल हाइड्रोजन देगा। बट आपको C2H6 कितना दिया है बच्चों, 3 मोल दिया हुआ है, तो ये कितना मिलेगा, 1 पे 6 है तो 3 पे कितना होगा, ऑब्वियसली 18 मोल होगा। तो हाइड्रोजन आपको इतना मिल गया बच्चों, 18 मोल। चलिए और क्या पूछा गया, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ इथेन। चलिए क्या पूछा है बच्चों, मोलिक्यूल्स, अब मोल नहीं पूछा, क्या पूछा है बच्चों, मोलिक्यूल्स ऑफ इथेन, नंबर ऑफ मोलिक्यूल। आपको मोल कंसेप्ट याद होना चाहिए बच्चों, हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू N/NA। और ये क्या है आपका, नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल कौन पूछा है, मोलिक्यूल पूछा गया है, दैट इज इक्वल टू N into NA। चलिए स्मॉल एन क्या होता है, मोल होता है, इथेन का मोल कितना दिया, 3 मोल दिया हुआ है। एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 × 10⁻²³। आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 18.066 × 10⁻²³ मोलिक्यूल ऑफ इथेन। इजी है, क्लियर तीसरा आंसर आपको। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज बेस्ड ऑन द मोलारिटी यूनिट। क्या पूछा गया बच्चों, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द शुगर इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का मतलब क्या होता है, मोलारिटी फाइंड करना है। 20 ग्राम शुगर, 20 ग्राम ऑफ शुगर, शुगर इज C12H22O11 राइट, कितने के अंदर डिजोल्व किया है, डिजोल्व इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर। तो टोटल वॉल्यूम कितना है बच्चों, 2 लीटर है ना, हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, इसका मोलारिटी निकालना है। चलो डेटा निकाले, क्या लिखते हैं बच्चे यहां पे, सॉल्यूट नोटेशन क्या होता है उसका 2, यहां पे क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट, बोलो नोटेशन क्या होता है उसका 1, यहां पे क्या लिखते हैं बच्चे, सॉल्यूशन लिखते हैं। चलिए डेटा देखते हैं सारे क्या क्या दिया हुआ है, 20 ग्राम, यहां पे सॉल्यूट कौन है, शुगर है, पानी में डिजोल्व कराया है हमने, तो सॉल्वेंट कौन है आपका, वॉटर है। चलिए 20 ग्राम C12H22O11 दैट इज वेट ऑफ शुगर, दैट इज W ऑफ 2, 2 इज नोटेशन फॉर सॉल्यूट। 20 ग्राम चाहिए, इसका मोलर वेट निकाले बच्चों, C12 मतलब 12 कार्बन, H22 22 हाइड्रोजन, O11 दैट इज 11 इंटू ऑक्सीजन, इन सबके एटॉमिक मास को प्लस कर लेना बच्चों, आपका आंसर आएगा 342 ग्राम पर मोल। ये आपको याद रखना है राइट, शुगर का होता है 342, ग्लूकोज का होता है 180, कुछ कुछ आपको याद रखना है। ओके चलिए इतना हो गया, एंड 2 लीटर सोल्यूशन, 2 लीटर नेम में भी दैट वॉज अ 5 लीटर ऑफ सोल्यूशन, नहीं 2 लीटर ही है राइट। चलिए 2 लीटर सोल्यूशन है तो सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, VL इक्वल टू 2 लीटर। अपने को मोलारिटी के फॉर्मूला में ml चाहिए तो VML इज इक्वल टू 2000 ml हो जाएगा, 2 लीटर इज। चलो अब मोलारिटी का फॉर्मूला डाल दो बच्चों, क्या होना है, मोलारिटी इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 अपन M2 इंटू VML ठीक है। चले बच्चों W2 कितना है आपका, 20 इंटू 1000, मोलर वेट कितना है 342, वॉल्यूम कितना है बच्चों आपका 2000 है वॉल्यूम। चलिए इसको सॉल्व करने पे बहुत कम मोलारिटी आ रहा है, 0.02925 मोल पर लीटर ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, मोल पर लीटर इज मोलारिटी, दिस इज योर आंसर। आप किसी भी तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो बच्चों, आपका आंसर सही होना चाहिए राइट। आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो इसको, आपका आंसर सही होना चाहिए। मैं ऑलवेज जनरल मेथड पे ले जाता हूं बच्चों को, ताकि एक बार फॉर्मूला याद कर लिया उसके बाद ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, डेटा खींचने का ऊपर से क्वेश्चन में से, और फिर फॉर्मूला में जाकर रख देने का, आंसर एक ही स्टेप में आ जाता है। ओके चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, 1.12 क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए। तो 1.12 है आपका, इफ द डेंसिटी ऑफ द मिथेनॉल इज 0.793 kg/L, वॉट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सोल्यूशन। अब ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे ना आपको एक्चुअली 2 सोल्यूशन दिए हुए हैं। पहला जो सोल्यूशन है बच्चों आपका मिथेनॉल का, उसका डेंसिटी दिया है 0.793 kg/L। क्या दिया बच्चों, उसका डेंसिटी दिया है 0.793 kg/L, तो आपको दिया है डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल। कितना है आपका, 0.793 kg/L है।
अब क्या कहा है कि इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम आपको लेना चाहिए ताकि ये बन जाए आपका 2.5 लीटर ऑफ 0.25 मोलर सॉल्यूशन। ओके, तो इसका कितना वॉल्यूम लेना चाहिए, मैं क्वेश्चन लिखते जाता हूं बच्चों। व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस, नी इज नीडेड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस इज नीडेड टू मेक 2.5 लीटर ऑफ 25.25 मोलर सॉल्यूशन। चलो बच्चों देखते जाना ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले तो आपके पास दो सॉल्यूशन है, पहले मिथेनॉल का ये सॉल्यूशन है और आपको उसको फाइनली इसमें कन्वर्ट करना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा बच्चों इनिशियली क्या डेटा है मेरे पास और मुझे फाइनल किसमें कन्वर्ट कराना है। तो फाइनल के लिए आपका वॉल्यूम है 2.5 लीटर, तो फाइनल वॉल्यूम है इज V2। फाइनल कंडीशन को हम 2 से डिनोट करेंगे, इनिशियल कंडीशन को 1 से डिनोट करेंगे। तो फाइनली वॉल्यूम है आपका 2.5 लीटर और मोलारिटी है बच्चों आपका M2 इज इक्वल टू 0.25 मोलर, ये आपको करना है। इसके लिए आपको सॉल्यूशन कौन सा दिया, बिकॉज लैब में क्या होता है जनरली कि जो सप्लायर होता है ना वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में ही आपको सॉल्यूशन सप्लाई करता है। जैसे कि अगर नाइट्रिक एसिड आ रहा है ना लैब में, तो नाइट्रिक एसिड इज ऑलवेज 69% वेट बाय वेट जो वो भेजेगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली हमने आगे सॉल्व किया 15.44 मोलारिटी जितना होता है। अब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हम जनरली यूज करते नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है लैब में बच्चों अपनी जरूरत के हिसाब से उसको डाइल्यूट करना पड़ता है। ओके, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है कि अगर आपको इतना डेंसिटी दिया हुआ है मिथेनॉल का और आपको इसमें से अगर ये बना देना है तो आप इसका कितना वॉल्यूम लोगे ताकि वो इसके इक्विवेलेंट हो जाए, दिस द केस, राइट। चलो, तो ये पहला जो आपका सॉल्यूशन था उसका कॉन्सेंट्रेशन डेंसिटी के फॉर्म में था, तो मैं इसको लिखूंगा बच्चों डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन इनिशियल कंडीशन दैट इज D1 0.793 kg per liter। आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, ये 793 g/l हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना 793 g/l। ओके, चलिए बच्चों आपको क्या पूछा है इसका वॉल्यूम कितना लोगे, दैट इज वॉल्यूम इन वन कंडीशन कितना लोगे। तो मैं पहले इसका आपको बेस बता देता हूं कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। सो इन दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ डाइल्यूशन एंड दैट डाइल्यूशन फॉर्मूला इज वेरी सिंपल एंड दैट इज योर M1V1 इज इक्वल टू M2V2। चलिए कहां प्रॉब्लम है पहले वो देखते हैं। M2 इज समथिंग वी आर हैविंग, V2 इज ऑल्सो वी आर हैविंग। ओके फाइन, V1 तो हमें फाइंड करना, दैट इज आवर क्वेश्चन। M1 नहीं है तो मुझे ना इनिशियल जो सॉल्यूशन है ना उसका मोलारिटी फाइंड करना पड़ेगा। डेंसिटी दिया है, मोलारिटी फाइंड करना है, हो जाएगा, सिंपल है। कैसे करेंगे बच्चों देखिए, चलिए तो पहले M1 फाइंड कर लेते हैं। मोलारिटी इनिशियली कितना था, वो टू फाइंड M1 दैट इज इनिशियल मोलारिटी। सिंपल सा काम करेंगे तो हमें बच्चों डेंसिटी कितना दिया है 793 g/l। इसका मतलब है बच्चों 793 g ऑफ मिथेनॉल पर लीटर मतलब इन 1000 ml, लीटर मतलब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। चलिए जो डेटा चाहिए ना सारा मिल गया बच्चों, डेटा बोलो, आपको पता भी नहीं चला आपको डेटा मिल गया। 793 g ऑफ मिथेनॉल जो सॉल्यूट आपको दिया हुआ इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। चलिए ग्राम ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल क्या आपका सॉल्यूट है, यस और नो, सॉल्यूट का वेट क्या होता है W2 होता है। चलिए मिथेनॉल का मोलिकुलर मास आपको फाइंड करना आएगा बच्चों, मिथेनॉल होता है CH3OH, कार्बन का होता है 12 प्लस 4 हाइड्रोजन मिला के 4, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 16 और 16 कितना हो जाएगा 32। तो इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा बच्चों 32 g/mol और सॉल्यूशन कितना है आपका 1000 ml के अंदर है, वो 1000 ml मतलब ये आपका हो गया VML। क्या हो गया बच्चों आपका VML हो गया, समझ आया आपको। तो ये 793 g/mL से आपको 793 g मिथेनॉल W2 मिल गया, मिथेनॉल का मोलिकुलर मास फाइन कर लेंगे 1 लीटर मतलब 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन। चले बच्चों अब जैसे ही आपका इतना पार्ट हो जाता है ना, तो हम यहां से अब क्या करेंगे आगे देखना ध्यान से। चले बच्चों तो अब यहां से हमें इनिशियल मोलारिटी फाइंड कर लेते हैं बच्चों। तो इनिशियल मोलारिटी आपका हो जाना है M1 इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 अपन M2 इंटू VML। देखो सारा डेटा हमारे पास आ चुका है, W2 कितना है बच्चों 793 है इंटू 1000। ओके समझ आ रहा है बच्चों आपको, मोलारिटी कितना है सॉरी मोलर मास कितना है 32 और वॉल्यूम कितना है बच्चों आपका 1000 इन 1 लीटर है ना, तो 1000 विल बी कैंसल्ड 793 by 32, तो आपका इनिशियल मोलारिटी आ जाएगा बच्चों 24.78। तो ये बच्चों आपका इनिशियल मोलारिटी M1। आप तो क्या करना है खाली यहां पे फॉर्मूला में जाकर डाल दो
M1V1 इज इक्वल टू M2V2, तो हमें जो वॉल्यूम चाहिए इस इनिशियल सॉल्यूशन का, ताकि ये सॉल्यूशन इसके इक्विवेलेंट हो जाए, दैट V1 इज इक्वल टू M2V2 बाई M1। ठीक, चलिए M2 कितना है बच्चा आपको, 0.25 बनाना है उसको, मोलारिटी को देखिए। हमारे पास जो सॉल्यूशन है ना ये वाला, उसका मोलारिटी इतना ज्यादा है, 24.78, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हमें उसको खाली 0.25 मोलर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो दैट इज M2, कितना वॉल्यूम चाहिए उसका, 2.5 लीटर डिवाइड बाय, चलिए इनिशियल मोलारिटी कितना है, 24.78। बच्चा आप जैसे इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ 0.0252 लीटर। 1000 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर होगा 25.2 ml। तो आपको इतना वॉल्यूम लेना पड़ेगा पहले सॉल्यूशन का, राइट। ये जो है वो गिवन कंडीशन है M1V1, और ये जो है वो दैट इज टू बी प्रिपेयर्ड। ओके, समझ आ गया बच्चों पूरा क्वेश्चन आपको कैसे करना है वो, गॉट इट। चले क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो थोड़ा सा यूनिट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, पता है हमें ऑलरेडी ये तो। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ द प्रेशर इज गिवन विच इज 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए दिया हुआ ऐसा यूनिट ऑफ द प्रेशर इज पास्कल, दैट इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ द मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कहा बच्चा आपको, कहा गया मास ऑफ एयर एट सी लेवल, तो आपको मास दिया है बच्चों एयर का 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड करना है व्हाट इज द प्रेशर इन पास्कल, तो ये जो मास है ना एयर का, उसका प्रेशर कितना लगना है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे यूनिट खटक रहा है, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दूंगा। देखिए बच्चों कैसे करेंगे हम, 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, 1034, अगर मुझे ग्राम को कन्वर्ट करना है बच्चों केजी में, कैसे करूं, अगर ग्राम को केजी में, ग्राम छोटा यूनिट है केजी बड़ा यूनिट है, तो अगर ग्राम को केजी में ले जाना, तो यहां पे आप क्या करोगे बच्चों, 10 to the power -3 kg। तो जहां पे ग्राम था ना, वहां मैंने क्या कर दिया, 10 power -3 kg कर दिया। लॉजिक समझिए, ये 10 power -3 और किलो होता है 10 power 3, तो -3 + 3 वापस कट हो जाएगा, मतलब ये ग्राम ही है। ओके, बट हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 power -3 kg, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 power -3 kg, 1 kg इक्वल टू 10 power 3 ग्राम। ओके, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 power -3 kg। चलिए नीचे देखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटी क्या होता है बच्चों, सेंटी होता है 10 power -2 मीटर, और उस पूरे का स्क्वायर है, क्या है बच्चे, पूरे का स्क्वायर है, यस और नो, राइट। चलिए तो ये हो गया बच्चों आपका 1034, 10 power -3, नीचे हो जाएगा आपका 10 power -4 kg per meter square। बोले इतना आपको आया समझ, मैंने किस तरह से ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को केजी में कन्वर्ट कर लिया। चले -4 ऊपर आएगा, +4 power हो जाएगा, 3 से कट होगा, 1 10 मल्टीप्लाई कर दो, 10340। समझ आ रहा ना इतना तो आपको, kg per meter square। चले बच्चों ये मास है आपका kg per meter square में। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम फाइंड करेंगे प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स बाय एरिया। फोर्स क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, आगे ना, फोर्स क्या होता है बच्चों, मास इंटू ग्रेविटी, दैट इज वेट ऑफ द एयर। ओके, चलिए मास कितना है आपका, 10340 है। ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 9.8 होता है, डिवाइड बाय एरिया। अब प्रेशर जो फाइंड करना है, आपका एरिया कितना लेना है बच्चों, यहाँ पे कुछ आइडिया दिया है एरिया के बारे में, ओके, नहीं दिया बच्चों एरिया, तो विल कंसीडर दैट द एरिया इज इक्वल टू 1 meter square। हम एरिया कितना ले लेंगे बच्चों, 1 ले लेंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, 1034 इंटू 9.8 अगर आप करोगे ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कुछ, लेट मी गिव, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आपका आंसर आ जाएगा ये 10340 इंटू 9.8, इट विल कम एज 101332। अब आप यूनिट सोचो बच्चा, यूनिट क्या होगा वो। ओके, तो आपका यूनिट क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। तो ये मास का यूनिट क्या था बच्चों, आपको जो मास था ना वो ऑलरेडी कैसे दिया था, केजी पर मीटर स्क्वायर दिया था। कैसे दिया था ये मास जो था वो क्या था बच्चों, आपका केजी पर मीटर स्क्वायर था। ओके, तो इसलिए ये आपको क्वांटिटी पूरा दिया था मास पर एरिया, और ये मास पर एरिया आपको दिया था बच्चों कितना, 10340, इसीलिए एरिया हमने 1 रख दिया फिर। तो ये है बच्चों आपका केजी पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये एम बाय ए का यूनिट क्या है, केजी पर मीटर स्क्वायर है। और ग्रेविटी क्या होता है बच्चों, ग्रेविटी इज m/s² एंड एक्सेलरेशन यूनिट। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका, ये हो जाएगा आपका 101332 केजी
एक मीटर नीचे कट होगा तो ये हो जाएगा मीटर इनवर्स सेकंड माइनस टू, हुआ कि नहीं हुआ बच्चों ऐसा? ओके। और अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक काम करेंगे बच्चों, सपोज ये यूनिट में कन्वर्ट ना भी करो ना तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है बच्चों आपका मास, ये क्या है एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन, याद है आपको फोर्स का यूनिट बनता है न्यूटन, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या बनता है बच्चों, फोर्स का यूनिट बनता है न्यूटन, राइट। चलो यहां पे बाकी सॉल्यूशन लिख देते हैं अभी, दैट विल कम एज 101332 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा न्यूटन, और ये नीचे वाला मीटर स्क्वायर एज इट इज रख दो। अब आप कन्वर्ट कर लो बच्चों, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है बच्चों, और कुछ नहीं है पास्कल है, तो 101332 पास्कल। और अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हो तो आप लिखो 1.01332 × 10^5 पास्कल। गॉट इट, समझ आया बच्चों आपको कैसे कन्वर्ट करना है? सिंपल, आपको यहां पर ध्यान देना है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको केजी पर मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने यहाँ पे किया, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज कन्वर्टेड टू केजी पर मीटर स्क्वायर, ग्राम की जगह रखना है 10^-3 केजी, सेंटी तो पता ही है 10^-2 का, सिंप्लीफाई करो, वंस यू गेट द मास देन प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स करेंगे एम इंटू जी, और ये मास बाय एरिया आपको दे दिया है 10340 केजी पर मीटर स्क्वायर, ग्रेविटी मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा, इजी है। ओके चले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो फटाफट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द मास, हाउ इज इट डिफाइंड, थियोरी क्वेश्चन है, मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, और एक प्लेटिनम इरिडियम का मैंने बताया था आपको, प्लेटिनम इरिडियम का एक स्टैंडर्ड सैंपल है, उसका मास डिफाइन किया गया है एज अ 1 केजी। ओके चलिए बच्चों उसके बाद है मैच द फॉलोइंग प्रेफिक्सेस, आई होप ये तो आपको आता ही है। चलिए माइक्रो कितना होता है 10^-6 है कि नहीं, डेका कितना होता है 10^1, मेगा इज 10^6, गीगा इज 10^9 एंड फेमटो इज 10^-15, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चले बच्चों 1.16 देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, याद है ना, तो जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो ऐसे डिजिट जो सर्टेन है प्लस एक ऐसा डिजिट जो अनसर्टेन है, ऐसे डिजिट जो सर्टेन है और एक एक्स्ट्रा डिजिट जो अनसर्टेन है, उन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, राइट। चलिए अब एक और क्वेश्चन आ रहा है आपका, क्वेश्चन है अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सिवियरली कंटामिनेटेड विथ अ क्लोरोफॉर्म CHCl3 सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर दैट इज कैंसर कॉजिंग, द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वॉज 15 ppm बाय मास, एक्सप्रेस दिस इन द परसेंटेज बाय मास एंड डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन। लेट्स सी दैट लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके चले बच्चों आपको क्वेश्चन में दिया था 15 ppm क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इज CHCl3 बाय मास। अब पहले आपको पीपीएम का मतलब पता होना चाहिए, पीपीएम होता है बच्चों पार्ट्स पर मिलियन, तो 15 ppm का मतलब है 15 parts per million, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। चलिए 15 पार्ट्स का मतलब है बच्चों 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है क्लोरोफॉर्म, पर मिलियन कितना होता है बच्चों 10^6 ग्राम होता है ना, मिलियन मतलब 10 लाख, इज 10^6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम होता है ना तभी पीपीएम यूनिट्स का यूज होता है पार्ट्स पर मिलियन, 12th के अंदर ये वापस आएगा सॉल्यूशन चैप्टर में, राइट। अभी जो न्यूमेरिकल थे उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 15 ppm का मतलब है बच्चों 15 ग्राम सॉल्यूट है 10 लाख सॉल्यूशन पार्टिकल में, अगर 10 लाख जितना सॉल्यूशन पार्टिकल है ना तो उसके अंदर खाली और खाली आपका सॉल्यूट का पार्टिकल कितना है बच्चों 15 ग्राम ही है। ओके चलिए यहां से क्या क्या डेटा मिला वो देख लेते हैं पहले, तो मुझे मेरे पास क्या क्या बच्चों सॉल्यूट होना चाहिए कंपलसरी, जिसका नोटेशन होता है 2, यहां पे सॉल्यूट है क्लोरोफॉर्म, सॉल्वेंट होना चाहिए, यहां पे सॉल्वेंट है वाटर, और लास्ट डेटा होता है बच्चों किसका सॉल्यूशन का। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो सॉल्यूट का वेट कितना है 15 ग्राम है, दैट इज W(2). चलिए उसका मोलर वेट निकालना आएगा आपको, CHCl3 कार्बन, एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन, क्लोरीन कितना होता है बच्चों 35.5 है ना, तो अगर इसको आप प्लस करोगे ना बच्चों तो आपका मोलिकुलर वेट आ जाएगा CHCl3 का 119.5, समझे इतना मैंने क्या किया, वो यहां से मुझे वेट मिल गया 15 ग्राम, मोलर वेट मैंने खुद निकाल लिया फॉर्मूला से। चलिए अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है बच्चों 10^6 ग्राम है, कैन यू टेल मी सॉल्वेंट कितना होगा, हाँ सॉल्वेंट का वेट मतलब W(1) कितना होगा बताओ, चलो वेरी सिंपल, अभी देखो सॉल्यूट कितना है खाली 15 ग्राम है और सॉल्यूशन कितना है 10 लाख है, हाँ गए ना, तो ये सॉल्वेंट कितना होगा 10 लाख टोटल है, उसमें से मैं 15 को माइनस कर दूं तो 10 लाख में से 15 गया तो कितना बचेगा बच्चों 9 लाख
99,985 है कि नहीं, एंड दैट इज वेरी नियरली इक्वल टू योर 10 लाख. तो यू कैन अप्रोक्सीमेटली टेक दिस W1 इज इक्वल टू 10^6 ग्राम. हाँ कैन, हाँ, बिकॉज ये बहुत कम है तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. आप 10 लाख में से 15 माइनस करो कोई फर्क पड़ता नहीं है. तो यू कैन टेक अप्रोक्सीमेटली सॉल्वेंट कितना 10^6. बस अब इतना मिल गया तो आप तो राजा हो गए. ओके, चलिए क्या फाइंड करना है, परसेंटेज वेट बाय वेट. क्या होता है बच्चों, परसेंटेज वेट बाय वेट, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वेट इंटू 100. चलो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, कितना है सॉल्यूट 15 ग्राम, डिवाइड बाय टोटल वेट. टोटल वेट कितना है दोनों को मिला के 10^6 ग्राम, इंटू क्या करेंगे हम 100. तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 15 × 10^-4% ऑफ CHCl3 बाय मास, है ना. और यू कैन ऑल्सो राइट 0.00015, बराबर है कि एक मिनट ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, 0.0015% ऑफ CHCl3. चलिए मोलालिटी भी चाहिए आपको, लो मोलालिटी का फॉर्मूला याद है बच्चों आपको, फॉर्मूला से सारा गेम है ये. मोलालिटी आपका W2 × 1000 अपन M2 × मोलालिटी में नीचे क्या आता है बच्चों, W1 आता है खाली. चलिए सब डेटा है, W2 ये रहा 15,000, M2 119.5 एंड W1 इज 10^6. चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मोलालिटी आएगा बच्चों 1.25 × 10^-4 मोलल. चलो ये भी आ गया आपका, स्मॉल एम है, मोलालिटी कैपिटल नहीं है. तो ये है आपका मोलालिटी और ये आपका परसेंटेज वेट बाय वेट. तो हमने ppm को कन्वर्ट करना सीख लिया, पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज द ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 10 लाख टोटल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. ये आपको याद होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर ये आपको आ गया तो फिर बाकी तो खाली आपको डेटा निकालना है और फिर फॉर्मूला में डाल देना जाके. ओके, चलो तो यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट हम खत्म करते हैं. बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आए हुए हैं, आपको अच्छे से इसको देखना है, सीखना है और नोट्स बनाने हैं, राइट. चलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए. थैंक यू सो मच.